हर बहस में होगी जीत। सिक्स साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे आप जीत सकते हैं हर जंग, दुश्मन भी बन जाएंगे फैन। कई बार हम ऑफिस या घर पर किसी बात पर असहमति जताते हैं और वहीं से लंबी चौड़ी डिबेट शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर आप बहस में जीतना चाहते हैं तो इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को ध्यान से जरूर सुनें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोग बड़ी आसानी से आपके हर काम में कमी निकाल देते हैं और जब आर्गुमेंट होती है तो तर्क देकर हरा देते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस तरह लोगों की असहमति पर चुप रह जाना अपने लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे पोजीशन पर जाएं तो अपनी बातों को सही तरीके से रखना और उस पर कायम रहना जरूरी है। तो दोस्त, यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स लेकर आए हैं जिसे अगर आप अपना ले तो अगली बार किसी बात पर असहमति होने पर आप भी लोगों को अपने मत पर सहमत कर सकते हैं। ये आपके रिश्तों को और बेहतर बनाने में मददगार होंगे। ये टिप्स आपके करियर, रिलेशनशिप या लाइफ में भी काम आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उन ट्रिक्स को जान लेते हैं। नंबर एक, इमोशन पर कंट्रोल। बहस किसी से भी हो रही हो, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखकर आप आसानी से जीत सकते हैं। अगर आप अपना टेम्पर लूज कर देंगे तो आपका पक्का हार जाएंगे, इसलिए शांत रहें और अपनी बात रखें। नेक्स्ट है, दूसरों को अच्छी तरह सुने। अगर सामने वाला कोई आरोप लगा रहा है या कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुने। इस तरह आप उसकी बातों में कमी और खामियों को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है, सवाल करें। अगर कोई आप पर किसी तरह का आरोप लगा रहा है तो आप उससे सवाल कर सकते हैं कि किस आधार पर वे यह आरोप लगा रहे हैं या आपके पास कोई सबूत है क्या आदि। आप ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। नेक्स्ट है, फैक्ट। इमोशन से अधिक फैक्ट पर ध्यान दें और अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए आप पहले के डाटा, रिसर्च, कोटेशन आदि को कोट करें। नेक्स्ट है, टॉपिक पर रहें। बहस के दौरान कई बार लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं और बेकार का लड़ाई झगड़ा बनने लगता है, इसलिए अपने टॉपिक पर डटे रहें और हर बात डायरेक्ट पूछें। नेक्स्ट है, बदतमीजी ना करें। अपने अपोनेंट के साथ मिसबिहेव करने से बचें और इज्जत से पेश आएं। यकीन मानिए, आपका यह तरीका आपके अपोनेंट पर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डाल सकता है और सुनने वाले लोग भी आपके पक्ष में रह सकते हैं। तो दोस्त, ये रहे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिससे आप कोई भी बहस, जंग, दुश्मन से भी जीत सकते हैं। तो दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।